अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से कबाब की रेसिपी। आई होप ये रेसिपी पसंद आएगी। और ये किस तरीके से बनाई है मैंने आपको यकीन भी नहीं आएगा। चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उसको फ्रीज भी कैसे करेंगे मैं आपको वो बताऊंगी। यहाँ पर अक्सर हमारे घर में कुछ चावल बच जाते हैं, तो ये उसी चावल के लेफ्ट ओवर चावल है, मैं उसी के ये कबाब बना रही हूँ। और इतने मज़ेदार बनते हैं ना, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप बनाएंगे ना, किसी को यकीन नहीं आएगा बचे हुए चावल से आपने ये कबाब बनाए हैं। यहाँ पर तकरीबन एक कप जितने ही चावल बचे थे और मैंने इसको चॉपर में डाल दिया, थोड़ा सा एक मिनट के लिए चॉप कर दिया था। बस हमें इसे ज़्यादा चॉप नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा ही चॉप करना एक मिनट के लिए। अभी हम इसे एक बॉल में ऐड कर देंगे। और थोड़ी सी मेरे पास फ़िश थी लेफ़्ट ओवर, वो भी बची हुई थी, तो ये फ्राई फिश थी, तो फिर मैंने इसका भी इसका आटे निकाल दिए थे अच्छी तरीके से, इसे भी मैंने थोड़ा सा चॉप कर लिया था। और एक दो बॉयल आलू हम इसमें ऐड कर देंगे मैश करके अच्छी तरीके से। और फिश बची हुई थी तो इसलिए मैंने डाला था, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास बचे हो कुछ भी ऐसा सामान तो आप मिक्स करके बना सकते हैं, बट मेरे पास बची हुई थी तो मैंने कहा इसको मैं वेस्ट क्यों करूं, मैं इसको भी इस कबाब के अंदर ऐड कर दूं। तो फिर इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, जैसे ये सारे जो हमने इसके अंदर सामान डाले हैं ना, वो अच्छी तरीके से आपस में मिल जाए। इसके साथ हम इसमें वन अनियन डालेंगे चॉप करके। और इसी के साथ हम डालेंगे एक टमाटर, वो भी चॉप करके हम ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे और सॉल्ट ऐड करेंगे, सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करेंगे। वन टेबल स्पून जितना हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। और रेड चिली थोड़ी सी मुझे कम लग रही थी, फिर मैंने इसमें थोड़ी सी ऐड की। इसी के साथ इसमें अजवाइन ऐड करेंगे, इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है, भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। और इसी के साथ इसमें हम वन टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे और इसी के साथ ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। और तीन से चार मैंने हरी इलायची ली थी, इसको चॉप कर दिया था, वो भी हम ऐड करेंगे। और अभी हम इसमें फ्रेश धनिया ऐड करेंगे और इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, जैसे आपस में अच्छी तरीके से सब कुछ आपस में मिल जाए, बिल्कुल अच्छी तरीके से ज़ोर ज़ोर से हमें मसल कर उसको आपस में मिला देना है। और ये रमज़ान के लिए भी बेस्ट है, अभी माशाल्लाह से रमज़ान भी आने वाला है, आप बना कर रख सकते हैं। और अक्सर रमज़ान में भी काफ़ी सारी चीज़ें हमारे बच जाती हैं, इसी तरीके से हम इसके कबाब बना कर रख सकते हैं। और यहाँ पर अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लिया है और मैं अभी हाथ पे ऑयल लगाऊंगी। और यहाँ पर मैं बताना भूल गई कि मैंने इसमें 1/4 कप जितना मैदा भून कर ऐड कर दिया था, जिससे हमारे कबाब से बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और बहुत ही मज़ेदार से बन जाएंगे। इसी तरीके से ये सारे मैंने कबाब बना लिए हैं और हम इसको इसी स्टेज में फ्रीज कर सकते हैं। पहले हम इसी ट्रे में इसको रखेंगे, फिर हम एक अच्छे से ब्लॉक बैग में डालकर इसको एक हफ्ते के तक यूज़ कर सकते हैं। और इन कबाब को मैंने एक सेम डे फ्राई नहीं किया था, मैंने कुछ कबाब फ्रीज़ कर लिए थे और मैंने कुछ कबाब आपको दिखाने के लिए फ्राई किए थे। हम इसमें कोई अंडा कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, बस ऑयल गरम करेंगे, ज़्यादा हम ऑयल गरम नहीं करेंगे, बस मीडियम ऑयल गरम हो जाएगा। इसमें हम अपने कबाब रखते जाएंगे और इसे अच्छी तरीके से एक साइड से गोल्डन फ्राई होने तक पकाएंगे। सारे कबाब मैंने रख लिए थे, एक एक साइड को मैंने दो मिनट तक अच्छी तरीके से फ्राई किया था, ये और बिल्कुल भी नहीं टूटे थे, इतने मज़ेदार से कबाब बनाए थे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और आपको यकीन नहीं आएगा कि आपने ये बचे हुए चावल से कबाब बनाए, इतने ही मज़ेदार से कबाब बन जाते हैं। और यहाँ पर एक 2 मिनट हो चुके थे तो मैंने इनकी साइड चेंज कर दी थी, अब मैं दूसरी साइड से भी 2 मिनट तक इनको अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी। और वो कबाब मैंने फ्राई कर लिए थे, इसी के साथ मैंने दूसरे भी कबाब ऐड कर दिए थे, वो भी मैं थोड़े से फ्राई कर रही थी। और इसी तरीके से हमारे मज़ेदार से लेफ्ट ओवर फ्राइज़ के कबाब बिल्कुल बनके तैयार हो चुके हैं। आप इसे केचप के साथ, रायते के साथ सर्व कर सकते हैं और ये खाने में इतने ही मज़ेदार, इतने टेस्टी थे। मैंने नेक्स्ट डे फ्राई किए थे, इनका मसाला और ही मज़ेदार सा लग रहा था और बहुत ज़्यादा ये टेस्टी थे। और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरी क्विक एंड ईजी रेसिपी कैसे लगी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी, पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और देखिए अंदर से कितने क्रंची और कितने मज़ेदार से लग रहे हैं। इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।